बिहार में बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। इस बीच तेज प्रताप की एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें वे डीएसएस के सदस्य को ट्रेनिंग देते दिख रहे हैं। पंडित धीरेंद्र शास्त्री के आने से पहले मंत्री तेज प्रताप ने अपनी सेना को पूरी तरीके से तैयार कर लिया है। तस्वीरें तेज प्रताप के आवास की बताई जा रही है, जिसमें वे खुद अपनी सेना को ट्रेनिंग देते दिख रहे हैं। ये कार्यक्रम तरेत पाली में ही आयोजित हो रहा है, जिसे लेकर भव्य तैयारियां की जा रही हैं। वहीं पटना के कई इलाकों में बाबा बागेश्वर के पोस्टर फाड़ दिए गए हैं। दरअसल बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री के पटना आगमन से पहले पटना में स्वागत के लिए बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं, लेकिन रात के अंधेरे में सैकड़ों की संख्या में लगाए गए पोस्टरों को फाड़ दिया गया। बाबा बागेश्वर के विरोध करने को लेकर तमाम पोस्टर फाड़ने वालों ने फिलहाल कोई जिम्मेदारी नहीं ली है और ना ही पता चल रहा है कि इन पोस्टरों को आखिर किसने फाड़ा है। लेकिन पोस्टर फाड़ने का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि एक युवक पटना के चौराहे पर लगे पोस्टरों को एक के बाद एक फाड़ते जा रहा है। बागेश्वर धाम के बाबा आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री 13 से 17 मई तक पटना के नौबतपुर में हनुमंत कथा का वाचन करेंगे। बिहार में हो रहे बाबा के विरोध को लेकर आयोजित समिति के संयोजक अरविंद ठाकुर ने कहा कि तेज प्रताप यादव खुद भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, उनको भी जाकर आमंत्रण देंगे, साथ ही बिहार सरकार के मंत्रियों को भी आने का निमंत्रण देंगे। बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम को लेकर राजनीति खत्म होती नहीं दिख रही है। मंत्री मदन सहनी ने कहा कि बीजेपी के नेताओं में आपस में ही विरोधाभास है, यही कारण है कि हर कोई बाबा बागेश्वर को जानता है, लेकिन बीजेपी के सांसद आर के सिंह उनको नहीं जानते। मदन सहनी ने कहा कि कोई भी धर्म के लोग अपने धर्म का विरोध नहीं करता, लेकिन धार्मिक बाबाओं को किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह नहीं बोलना चाहिए। इसके अलावा बाबा से कोई वैचारिक मतभेद नहीं है।